बंदे फुरसोतू श्री ननिदा जी ने श्री श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला की जो कहानी व्यक्त की है उसको मैं अपनी आवाज में व्यक्त कर रहा हूँ ठाकुर ने एक दिन मुझसे अंग्रेजी में दो तीन शब्दों का बंगला अर्थ पूछा शब्द थे क्वीर एब्सिलूट इत्यादि मैंने शब्दों का बंगला अर्थ बताया इसके बाद उन्होंने उन शब्दों की भाव संबलित एक वाणी भी थी प्रफुल्लदा ने उसे लिख लिया कुछ क्षणों के बाद मैंने कौतूहल वस्त ठाकुर को निवेदन किया था आप क्या अंग्रेजी में चिंतन करते हैं ठाकुर बोले क्यों ऐसी बातें क्यों बोलते हो मैं बोला आपने कुछ समय पहले अंग्रेजी शब्दों के बंगला अर्थ मुझसे पूछा और उसी भाव से ही बंगला वाणी दी उससे प्रतीत होता है अंग्रेजी में ही वह भाव आपके मन में आया था थोड़ा चुपक रह कर स्मित हंसी में श्री श्री ठाकुर बोले क्या होता है सुनोगे टेलीफोन में रिंग होते सुना है मैं बोला जी सुना हूँ तब ठाकुर जी बोले इसी तरह से शब्दों का समूह मेरे कान में रिंग करता है मान लो काफ़ी दूर में कोई किसी समस्या में पढ़कर उसका सलूशन समाधान नहीं पाकर भगवान के निकट आकुल होकर प्रार्थना करता है ओ लॉर्ड हाउ क्वीर हाउ क्वीर मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाता हूँ दया करके इसका समाधान मुझे बता दो उसकी प्रार्थना छवि सहित मेरे कान में आकर रिंग करती है सलूशन समाधान तो मैंने यहाँ भी दे दिया है सारी बातें सुनकर मैं एवं उपस्थित सभी स्तब्ध विस्मय में ठाकुर के चेहरे की तरफ देखने लगे सोचने लगा उनकी इतनी दया है बातचीत के क्रम में ननिदा ने एक और घटना उल्लेख की एक दिन बड़े नाट मंडप में परम पूज्यपाद बड़दा बैठे हैं चारों ओर हम लोग सभी उपस्थित हैं हठात पूज्यपाद बड़दा श्री श्री बोले कोई मानो मुझे बड़दा बड़दा बोलकर बुला रहा है बाद में देखा गया एक घर की माँ प्रफुल्लदा बोले वे ननी दा के घर की माँ थीं ठीक ऐसे ही समय बड़दा बड़दा बोलकर आकुल होकर पुकार रही थी घटना को सुनकर श्री श्रीपित्रदेव बोले ऐसा सभी के साथ होता है उनकी दया से ही होता है त्रिपुरा जाते समय पहाड़ी रास्ते में एक स्थान पर हम लोग ठहर गए रास्ते में उतरकर सुटुक की माँ पूजनिया रांगा माँ परेश एवं और कई ने गाना गाए बैठे हुए हैं कुछ क्षणों पर लगा ज्ञान स्वामी मुझे बुला रहे हैं साथ ही साथ उपस्थित सभी को कहकर सुनाया ज्ञानदा कैसे हैं पता लगाना तो बाद में पता लगा ज्ञानदा ने ठीक ऐसे ही समय में निःस्वास त्याग किया है परेश दा भोरा जी हाँ धर्मनगर से अगरतला जाते समय की घटना है आपने ज्ञानदा सत्संग सचिव ज्ञानेन्द्र विकास गोस्वामी की खबर पूछी थी उस समय ज्ञानदा इक्कीस तीन सत्तर ने ठीक दोपहर डेढ़ बजे कलकत्ता में शेष निःहस्वास त्याग किया है कार्तिक दा सरकार व भूलूदा अजिताभ गुप्त चौधरी ने जानकारी दी हम लोग भी श्री श्री देव के साथ वहाँ उपस्थित थे उस प्रसंग में अजीत दाधर ने और एक घटना सुनाई बड़दा एक दिन अशोक आश्रम में बैठे हैं हठात वे बोल उठे गोपाल विश्वास को मानो किसी स्टेशन पर देखा वह उतर रहा है हाथ में एक सूट केस है स्टेशन का वर्णना दिया और भी क्या क्या सुनाया कौतूहल वस्ता हमारे एक भाई ने उसे प्राइवेटली गोपन में टाइम समय लिख कर रख लिया बाद में खबर लेने पर पता चला इसी समय गोपाल दा ठीक उसी स्टेशन पर थे गोपाल दाह रवींदा के मामा घर जा रहे थे यह आसाम के कोकड़ा झाड़ स्टेशन की बातें हैं बड़दा किंतु तो तब तक आसाम नहीं गए थे सातवती मार्च 2013 हजार संख्या 26 और 27 से जय गुरु